चलिए बच्चों, एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास लेकर चल रहे हैं हाई स्कूल का, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे बच्चों, तो वहां से आगे चलते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना था, हम लोग टेबल बनाए थे, टेबल समझाए थे, वो आपको याद करना पूरा टेबल। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 10.2 करते हैं। एक्सरसाइज 10.2, एक्सरसाइज 10.2 यहाँ पर हम लोग करते हैं बच्चों। जैसे एक्सरसाइज 10.2, चलिए क्वेश्चन कुछ कराते हैं। हम लोग कल बात किए थे, इफ टैन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड आवर वैल्यू थीटा। कह रहा टैन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड आवर वैल्यू थीटा फाइंड करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, टैन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ये कितने का मान है? तो टैन थीटा आप कहेंगे टैन थर्टी, थीटा इज इक्वल टू आ गया बच्चों 30, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 30, थीटा इज इक्वल टू 30 या थीटा इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा इज इक्वल टू 5/6, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 5/6। ये हमारा डिग्री में बच्चों और ये हमारा रेडियन में, देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हम लोग। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। कह रहा प्रूव डेट साइन 60 कॉस 60, साइन 60 कॉस 60 टेन 60, टेन 60 इज इक्वल टू लाना 3/4, क्या लाना बच्चों 3/4। आइए एलएचएस लिया बच्चों, साइन 60 कॉस 60 टेन 60। साइन 60 का वैल्यू हम लोग को पता है √3/2, कॉस 60 का वैल्यू पता है 1/2, टेन 60 का वैल्यू पता है √3। हम कह रहे हैं बच्चों अंश का गुणा अंश में कर दें, हर का गुणा हर में, ध्यान दीजिए √3 × √3 / 2 × 2 / 1, ये 1 बटे लिख सकते हैं, अगर कोई भी डिजिट है 4 तो 4/1 लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 3/1 क्या 4, जो हमारा क्या आ गया RHS, क्या हो गया बच्चों RHS, जो हमें क्या करना है लाना है 3/4 क्या आ गया RHS। देख लीजिए बच्चों आप लोग, नोट कर लीजिए इसको, तो आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट
क्वेश्चन की बात करते हैं, मिटा दे रहे हैं इसको तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट, प्रूव दैट कॉस 60, कॉस 60, कॉस 45 माइनस साइन 60, साइन 45 लाना है बच्चों, रूट टू माइनस रूट सिक्स है, अपॉन फोर। क्या आना है? रूट टू माइनस रूट सिक्स अपॉन क्या? फोर। एलएचएस लिया बच्चों, एलएचएस क्या कह रहा? कॉस 60 कॉस 45 माइनस साइन 60 इंटू साइन 45। कॉस 60 की यदि बात करें, कॉस 60 का तो हम जानते हैं 1/2 होता है, कॉस 45 का तो 1/-sin 60 √3/2 sin 45 √2। चलिए यहाँ आया बच्चों 1/√2 और यहाँ आया √3/2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए आप लोग। यहां तक क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। चलिए एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, 2√2 एलसीएम तो 1-√3 कितना आ गया? 1-√3। ऐसा करते हैं बच्चों, ये तो आया हमारा जो सिद्ध करने था कितना, 1-√3/√2 मल्टीप्लाई कर दे, रूट टू से ऊपर नीचे क्या कर दे, इसमें मल्टीप्लाई होगा रूट टू, और रूट टू का रूट थ्री में होगा तो रूट सिक्स, और यहाँ हो गया 2√2 × √2 तो हो गया √2 − √6/4 कितना बच्चों? 4, जो हमारा लाना था। देख लीजिए एक बार बच्चों जो प्रॉब्लम है बताइए, यहाँ पर एक बार देख लीजिए। चलिए यहां पर आगे चलते हैं बच्चों। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 4 cos² 60 प्रूव ही करना है। 4 cos² 60 प्लस 4 sin² 45, 4 sin² 45 माइनस sin² 30 11/4 लाना है। क्या बच्चों? 11/4 क्या लाना है? 11/4। चलिए बच्चों ये एलएचएस लिया, क्या कह रहा है? 4 cos, समझिएगा, 4 cos² 60 प्लस
फोर साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 38 है। ध्यान दीजिएगा, कास अगर बात करें बच्चों 60 तो होता वैल्यू 1/√2 का क्या स्क्वायर, प्लस 4 गुणे इसकी बात करें तो 1/√2 का स्क्वायर। ठीक, यहां पर बात करेंगे तो बच्चों 1/√2 का स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत? यहां पर बात करें 4 × 1/1/4 होगा बच्चों, यहां पर बात करें 4 × 1/2 होगा, यहां पर बात करें −1/4। एलसीएम कितना लेना बच्चों? 4 लिया तो यहां क्या हो गया 4, क्योंकि बच्चों 4 से बात देंगे कैंसिल हो गया, 4 यहां पर दो बार जाएगा तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बच्चों 8, और यहां कितना हो गया इसको जोड़ लेंगे 8 और 4, अगर जो 11 11 में से 12 12 में से 1 घटा देंगे सबट्रैक्ट कर देंगे तो बच्चों आ जाएगा 11/4। ये हमारा आ गया क्या आरएचएस, क्या आ गया बच्चों आरएचएस, नोट कर लीजिए। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। कह रहा प्रूव डेट, क्या कह रहा प्रूव डेट, ध्यान दीजिएगा। cos 60 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 30, 2 cos स्क्वायर 30 माइनस, कह रहा cos 60 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1, ये प्रूव करना। चलिए बच्चों कोई बात नहीं, जब ऐसे क्वेश्चन आए तीन टर्म है तीनों इक्वल आना है, इनका कहने का मतलब cos 60 जो होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1। ये मान लेते हैं बच्चों फर्स्ट टर्म, इसको मान लेते हैं सेकंड टर्म, इसको मान लेते हैं थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म की अगर बात करें, फर्स्ट टर्म की अगर बात करें तो cos 60 हम जानते हैं 1/2 बच्चों। सेकंड स्टेप की बात करें, ये तो फर्स्ट था, फर्स्ट सेकंड की बात करें 1 − 2 sin स्क्वायर 30, 1 − 2 × 1/2 का होल स्क्वायर बच्चों, तो 1 − 2 × 1/4 1 − 1/2 तो आ गया 1/2। थर्ड स्टेप की बात करें बच्चों, थर्ड स्टेप क्या कह रहा है 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1, cos 30 का मान हम जानते हैं √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, यहां पर बात करेंगे तो 3/4 इज कैंसिल हो जाएगा बच्चों 3/2 − 1 तो हो गया आ गया भाई। तो मतलब यहाँ पर इस बात करें इफ फर्स्ट टर्म इक्वल टू सेकंड टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म इक्वल टू 1/2, यहाँ पर बच्चों क्या हो गया फर्स्ट टर्म इक्वल टू सेकंड टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म, सब आपस में क्या है
इक्वल इससे क्या हो गया, प्रूव हो गया। देख लीजिए बच्चों, कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी प्रूव करना है। प्रूव डेट 4 cot² 45 माइनस sec² 60 प्लस sin² 30 इक्वल टू 1/4। चलिए आरएसएस लेते हैं। 4 cot² 45 माइनस sec² 60 प्लस sin² 30। आप जानते हैं बच्चों 4 cot² 45 का वैल्यू बात करें तो 1, तो 1 का स्क्वायर बच्चों, ठीक। cos 60 का 1/2 बच्चों, cos 60 का 1/2 तो इसका अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक। और sin 30 का 1/2 का क्या होल स्क्वायर, इसका 4 cross 1 बच्चों, और माइनस क्या 4 plus 1/4, 4 minus 4 plus 1/4 बच्चे 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, 1/4 बच्चों आ गया क्या हमारा आरएचएस। देख लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। इफ थीटा इज इक्वल टू 30 देन प्रूव दैट। तो बच्चों बहुत लोग थीटा इज इक्वल टू, यहाँ अगर हम मान लें ए इज इक्वल टू 30 कोई दिक्कत नहीं, देन प्रूव दैट कॉस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 ए प्रूफ। अच्छा कह रहा है ईच का टेर फोर टर्म आ रहा है, आपको बताया था फिर प्रूफ करना सब इक्वल है, कोई बात नहीं प्रूव करना हमको। कॉस 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए। इसको माना फर्स्ट टर्म, इसको माना सेकंड टर्म, इसको माना थर्ड, इसको मान लिया सब इक्वल आना है बच्चों, इक्वल आएगा तभी प्रूव होगा। फर्स्ट टर्म की बात करें कॉस 2a कॉस 2 गुणे 30 कॉस 60
कॉस 60 का वैल्यू अगर बात करें तो अपन सेकंड टर्म की बात करें बच्चों, सेकंड टर्म की 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, 1 माइनस ए अपॉन 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3, तो ऊपर आ गया बच्चों 2 अपॉन 3, नीचे आ गया 4 अपॉन 3, से 3 कैंसिल, बराबर क्या आ गया बच्चों 1 अपॉन 2। फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म की बात करें बच्चों, थर्ड टर्म की बात करें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30, 1 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन क्या 4 हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 4 के बच्चों आ गया 1 अपॉन 2। फोर्थ टर्म की बात करें, फोर्थ टर्म की बात करेंगे तो क्या आएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1, 2 cos 3 अपॉन 4 माइनस 1, तो आ गया 3 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2। देख लीजिए बच्चों सब टर्म क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, सब टर्म क्या आ रहा है इक्वल, प्रत्येक टर्म क्या आ रहे हैं इक्वल आ गए हैं, इससे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म सब आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, इससे क्या हो गया प्रूफ हो गया। देख लीजिए आप लोग नोट कर लीजिए, तो एक्सरसाइज बच्चों आप लोग लगा सकते हैं, आप लोग पूरा पूरा कवर कर सकते हैं एक्सरसाइज, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, तो आगे चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों, साइन ए माइनस बी, इफ साइन ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, फाइंड ऑफ ए एंड बी, ए और बी क्या करना है बच्चों बराबर, ये ध्यान दीजिए यहां जो लिखा है साइन ए माइनस बी इक्वल टू बच्चों कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये जो टर्म होगा ए बी इसके इक्वल है बच्चों, और ए बी टर्म क्या है इसके इक्वल है, यहां पर हम कह सकते हैं साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन, तो साइन ए माइनस बी साइन 30, तो बच्चों ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया 30, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस 60, तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना बच्चों आ गया 60, इक्वेशन नंबर 2। इन्हीं दोनों के इक्वेशन को जोड़ दें बच्चों, इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे हम इक्वेशन 1 प्लस 2 यहां ऐड कर देंगे, तो a माइनस b इक्वल टू 30, a प्लस b इक्वल टू ऐड करेंगे तो बच्चे कट गया 2 इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू बच्चों 45, जब a इक्वल टू 45 तो b इक्वल टू बच्चों 15। देख लीजिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए, आज क्लास यहीं तक बच्चों, थैंक यू आप लोग को।